आदतें इंसान को बनाती है और आदतें इंसान को बिगाड़ती भी है। इसीलिए सही आदतों का होना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। हर कामयाब इंसान में कुछ आदतें कॉमन होती है, वही आदतें उन्हें एक आम इंसान से अलग करती है और एक सफल पहचान बनाने में मदद करती है। मगर मुश्किल यह है कि नई अच्छी आदतें बनाएं कैसे। हर नए साल की शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, मगर कुछ दिन में ही फिर से पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। इसी परेशानी का हल है, शुरुआत करें बिल्कुल छोटी आदतों से, जो मिनी हैबिट्स किताब हमें सिखाती है। बहुत ही छोटी सिली हैबिट से छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े रिजल्ट देती है। लेखक कई सालों से अच्छी आदतों बनाने के मामले फेल हो रहे थे। वो अच्छी बॉडी बनाना चाहते थे, पुस्तक लिखना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे। वो बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन एटसेट्रा, मगर कोई भी कारगर साबित नहीं हुई। तभी वो न्यू ईयर 2012 में रेजोल्यूशन लिए कि वो डेली सिर्फ एक पुश अप करेंगे, और यही सिली आदत उन्हें अच्छी बॉडी बनाने में और बाद में बुक लिखने में मदद की, और यहीं से इस बुक को लिखने की शुरुआत हुई। मिनी हैबिट क्या है और ये कैसे काम करता है? बड़ा सोचना अच्छा लगता है, पर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। बड़े काम की शुरुआत से ही दिमाग डर जाता है, पर छोटे कदम उठाने से हम डर से दूर हो पाते हैं। बड़ा सोच कर कुछ ना करने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा रोज करें, छोटा ही सही, और ये एक साथ कुछ दिनों बाद बड़े बदलाव लाएगा। अपने नाक को छूने में कितनी मेहनत लगती है? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगेगा ये बच्चों वाली हरकत है। ये सिली टास्क करने में दिमाग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक छोटा सा काम जिसके लिए आपका मन आपको रोक नहीं पाता है और वो हो जाता है, उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगती है। इसी को मिनी हैबिट कहते हैं। जो आदत आप अपने में डालना चाहते हैं, उसे बहुत छोटा और आसान बनाएं और डेली करें। जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 30 मिनट का ना सोच कर 1 मिनट करने का रोज सोचें। ये सुनने में स्टूपिड है, पर एक बार आप शुरू हो गए तो बोनस के तौर पर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज करने लगेंगे, और कभी कभी 20 मिनट भी, पर शुरुआत हुई बस 1 मिनट का सोच कर। इसे रोज करते रहने से कब ये आपकी आदत बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा ब्रेन आदत बनाने में किस तरह काम करता है? आदतें कैसे बनती है? क्यों मोटिवेशन चला जाता है? क्यों हम पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं? ये सब बातें खुद में बदलाव लाने के लिए और हैबिट बनाने के लिए जानना जरूरी है, तभी हम खुद पर काम कर पाएंगे। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की चाबी है। रिपीटेशंस, जो काम हम बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, फिर वो काम करने की आदत बन जाती है। क्योंकि कि बार बार काम करने से ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाता है, और वो काम फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। ब्रेन एक स्टूपिड रिपीटर है, पर वो स्मार्ट मैनेजर भी है। इसीलिए जो चीजें हम आदत में डालना चाहते हैं, उसे बार बार दोहराएं, फिर ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा और वो काम करने में आसानी होगी। शॉर्ट टर्म प्लेयर जिससे मिलती है, उसे आदत बनाने में आसानी होती है। इसीलिए लोगों को स्मोकिंग की बुरी आदत जल्दी लग जाती है। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स डिसीजन लेता है क्या सही है और क्या गलत, पर जब बड़े फैसले लेने होते हैं
या देर तक सोचना होता है तो ये जल्दी हार मान जाता है। जैसे हम फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम को देख के ना खाने का फैसला करते हैं, तो ये फैसला कुछ टाइम तक चलता है। फिर कुछ देर बाद हम हार जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। मगर हम जब बार बार सही फायदे याद दिलाते हैं और खुद को रोकते हैं, तो ये बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो जाता है और ये आदत बन जाता है। एक बार ये बेसल गैंग्लिया में चला गया तो न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और फिर अच्छी आदतों की शुरुआत हो जाती है। ये तभी होगा जब हम बार बार उस काम को दोहराएंगे। मोटिवेशन वर्सेस विल पावर एक अच्छी आदत बनाने में, जिससे रिवॉर्ड लंबे टाइम बाद मिलेगा, तब मोटिवेशन बिल्कुल काम नहीं करता है। हम जब कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते, तब हम पूरा मोटिवेटेड हो जाते हैं और काम को शुरू कर देते हैं। पर कुछ दिन में मोटिवेशन चला जाता है और हम पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। मोटिवेशन हमारे इमोशन है, कभी ज्यादा होता है कभी कम। खराब मौसम हो, मन अगर उदास हो, बॉडी में हार्मोनल चेंज हो, तो मोटिवेशन कम हो जाती है। और अगर कोई काम बार बार करें तो हम हमेशा उतना एक्साइटेड या मोटिवेटेड फील नहीं करते। इसीलिए जब हम मोटिवेटेड होते तब काम करते हैं, जब नहीं तो नहीं करते। पर हैबिट कभी कभी करने से नहीं बनती, उसे रोज करना पड़ता है। इसीलिए मोटिवेशन हैबिट बनाने के लिए अनरिलायबल है, पर हैबिट बनाने में विल पावर कारगर साबित होती है। पर जनरल हैबिट मतलब बड़े काम की आदत बनाने में विल पावर भी साथ नहीं देती। अगर हम कभी एक्सरसाइज नहीं करे हो और अचानक 30 मिनट डेली एक्सरसाइज का गोल बनाने ले, तो विल पावर काम नहीं करती। हमारी इच्छा शक्ति विल पावर कभी ज्यादा या कम होती है। इन बातों से विल पावर कम हो जाती है। एक एफर्ट काम ऐसा हो जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दो पर सिर्फ डिफिकल्टी, जब ये सोचने लगे बहुत मुश्किल आएगी इसे करने में, हमें तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तीन नेगेटिव, हमारा मन उस चीज के बारे में नेगेटिव हो, मुश्किल ना लगे नेगेटिव हो, चार सब्जेक्टिव फैटिक, काम बोरिंग हो, पांच ब्लड ग्लूकोस, अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोस लेवल हो, अगर ये पांच हर्डल्स दूर हो जाए तो विल पावर रिलायबल तरीके से काम करने लगती है। पर मिनी हैबिट में उतनी विल पावर खर्च नहीं होती है, ना ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। मिनी हैबिट की स्ट्रेटेजी, अच्छे काम को कभी कभी करने से सफलता नहीं आती, बार बार करने से आती है। मिनी हैबिट को बनाने में विल पावर की जरूरत बहुत ही कम होती है। एक पुशअप लगाने में या फिर एक पैराग्राफ डेली पढ़ने में कितना विल पावर लगेगा? जवाब है बहुत ही कम, ना के बराबर। एक पुश अप लगाने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा? इधर आपने सोचा उधर काम हो गया। ये हमारे मन को कितना कठिन लगेगा, इसमें कितनी कठिनाई आएगी, बोर होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि काम इतना छोटा है कि शुरू करते ही खत्म हो जाएगा। अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोस लेवल कम भी हो तो क्या छोटा सिली काम है, आसानी से हो जाएगा। शुरुआत ही मुश्किल लगती है, पर गोल इतना छोटा होता है मिनी हैबिट में कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है, इसीलिए ये आसानी से शुरू की जा सकती है। नई आदत कितने दिन में बनती है? कहा जाता है 21 से 30 दिन लगते हैं एक नई आदत बनाने के लिए, पर रिसर्च कहती है कि 18 से 254 दिन लग जाते हैं एक नई आदत बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। जो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए एक नई आदत बनाना ज्यादा आसान होता है, और आदत बन जाने पर उस काम को ज्यादा करने में कम मेहनत भी लगती है।
मिनी हैबिट्स के फायदे। रोज रोज की आपकी सफलता, सेल्फ एफिशिएंसी और मिनी हैबिट्स से आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। बड़े गोल हमें डरा देती है। हमारा दिमाग बड़े काम को चार कदम बढ़ा करके सोचता है और डर जाता है, कैसे होगा। पर मिनी हैबिट से आप रोज जीतते हैं। गोल इतना छोटा होता है कि दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता और काम आसानी से हो जाता है। आप सोचते होंगे एक पुश अप का गोल से क्या होगा या एक पेज पढ़ने से क्या होगा, पर ये आपको मोशन में लाती है। छोटा छोटा काम करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और फिर भी कंफर्टेबल रहते हैं। शुरुआत छोटे से हुई। शुरू एक पुश अप या एक पैराग्राफ पढ़ने से हुई, पर बाद में बोनस के तौर पर 5 पुश अप कर लेते हैं या 5 पेज पढ़ लेते हैं। पर शुरुआत कहां से हुई? एक छोटा स्टूपिड काम से। न्यूटन लॉ कहता है जब एक चीज स्थिर रेस्ट पोजीशन होती है तो उसे गति में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, और यहां मिनी हैबिट एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है और हमें आसानी से मोशन में ले आता है। फिर बोनस के तौर पे हम ज्यादा उस काम को कर जाते हैं और ये हमारी आदतों में शामिल हो जाती है। पहले आप अनस्टेबल थे और अब अनस्टॉपेबल हो। बड़े गोल बनाना अच्छा लगता है, पर इस पर डटे रहना और रोज मोटिवेटेड होके उस पे काम करना मुश्किल होता है। छोटा शुरुआत ही सही, पर शुरू तो हुआ। एक डेडलाइन दें कि सोने से पहले उस छोटे से टारगेट को पूरा करेंगे और एक विजेता की तरह आप खुशी से सोने जाएंगे। बिल्कुल छोटा मिनी हैबिट बनाएं जिसे रोज करने में आसानी हो, और फिर कुछ दिनों में ये खुद ही आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो जाएगी और बोनस के तौर पे आप उस काम को ज्यादा भी करने लगेंगे। शायद आपको मिनी हैबिट्स की समरी से प्रेरणा मिली होगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।